C-I-E-T-N-C-E-R-T -E presents trilingual dictionary of geography for schools bhugol vidyalayon ke liye tribhashi shabd kosh Kilogat ki logat schoolon ke liye index letter r rabi page 100 radial drainage page 100 rain page Hundred Rain bearing wind, page hundred rainbow, page hundred rain gauge, page one hundred one rain shadow, page one hundred one rain water harvesting, page one hundred one ranches, page one hundred one range, page one hundred one ranking, page one hundred one. Rapids. Page 102. Ravine. Page 102. Rectangular drainage. Page 102. Refugee. Page 102. Region. Page 102. Relative humidity. Page 103. Relief. Page 103. Relief map. Page 103. Three Remittance Page one hundred three Remote sensing Page one hundred three Renewable resource Page one hundred three Reserves Page one hundred three Reservoir Page one hundred three Residual Hill Page one hundred three Resources Page one hundred four Revolution of the Earth Page 104 Rhea Page 104 Richter scale Page 104 Rift valley Page 104 River Page 104 River basin Page 104 River capture Page 104 River system. Page 105. Road density. Page 105. Rock. Page 105. Rock cycle. Page 105. Rotation of crops. Page 105. Runoff. Page 105. Rural settlement. Page 105. Now, let's move to letter R of the Dictionary of Geography starting at page 100. R. Rabi. Local term used in India to describe crops that are sown during October December and harvested during summer April May. Examples are wheat, barley, peas, gram, mustard, etc. Rabi. भारत में प्रयोग किया जाने वाला स्थानीय शब्द जो उन फसलों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जो अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं एवं ग्रीष्म काल में अप्रैल मई में काटी जाती हैं, जैसे गेहूँ जौ मटर चना सरसों इत्यादि रबी अक्टूबर दिसंबर में बोई और अप्रैल मई में काटी जाने वाली फसलों को जाहिर करने के लिए हिंदुस्तान में मुस्तमिल मकामी असलाह गेहूं जौ मटर चना सरसों वगैरह इसकी मिसालें हैं रेडियल ड्रेनेज द ड्रेनेज पैटर्न इन विच रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ सेंट्रल हाइलैंड एंड फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन दिस पैटर्न डिवेलप्स ऑन डोम्स पर्टिकुलरली वेयर बेल्ट ऑफ रेजिस्टेंट रॉक्स आर सेपरेटेड बाय वीकर रॉक्स एग्जाम्पल द ड्रेनेज पैटर्न इन रामगढ़ डोम इन राजस्थान अरिय अपवाह एक प्रवाह प्रतिरूप जिसमें नदियों का उद्गम एक केंद्रीय उच्च भूमि से होता है एवं वे विभिन्न दिशाओं में बहती हैं यह प्रतिरूप गुम्बद डोम पर विकसित होता है विशेषतया जहां प्रतिरोधी शैलों की पट्टियां कमजोर शैलों द्वारा अलग होती हैं उदाहरणतया राजस्थान में रामगढ़ गुम्बद का प्रवाह प्रतिरूप चुआई पन्नेकासी पन्नेकासी का वो निजाम जिसमें नदियाँ एक मरकजी बुलंद जमीन से निकलती हैं और मुख्तलिफ मुख्तलि में बहती हैं इस तरह का नमूना गुम्बद नुमा खित्तों में फरोख पाता है जहाँ मजाहमती चट्टान नर्म चट्टानों के जरिए जुदा होती हैं जैसे राजस्थान के रामगढ़ गुम्बद में पन्निकासी रेन It is a form of precipitation condensed water vapor of the atmosphere in a liquid form water droplets falls on the ground under the influence of the gravity the size of water droplets distinguishes drizzle 0 0.02 to 0 0.5 mm in diameter from rain 0 0.5 to 5 mm in diameter varsha यह वर्षण का एक प्रकार है वायुमंडल के संघनित जलवाष्प गुरुत्व के प्रभाव के कारण तरल रूप जल की सूक्ष्म बूंदों में धरातल पर गिरते हैं जल की बूंदों के बीच आकार में भेद फुहार शून्य दशमलव शून्य दो से शून्य दशमलव पांच मिलीमीटर व्यास और वर्षा शून्य दशमलव पांच से पांच मिलीमीटर व्यास में होता है बारिश ये तरसीब की एक शक्ल है कुर्रबाद के कसीफ आबी बुखार सयाल की सूरत पानी के कतरों में तब्दील होकर कशिश सकल की वजह से ज़मीन पर गिरते हैं कतरों के साइज़ के अतबार से फुआर कतर में सिफर आशारिया सिफर दो से सिफ़र आशारिया पाँच मिलीमीटर बारिश कतर में सिफर आशारिया पाँच से पाँच मिलीमीटर mm से अलग होती है रेन बियरिंग विंड मॉइस्चर लेडन विंड्स कमिंग फ्रॉम दी ओशन और लार्ज वाटर बॉडीज टू लैंड विच ब्रिंग रेनफॉल वर्षधारी पवने महासागरों अथवा विशाल जलाशयों से स्थल की ओर आती हुई आर्द्रता युक्त पवने जो वर्षा लाती हैं बारिश बरदार हवाएं समंदर या बड़ी आबी जिसामत से आने वाली रुतूबत भरी हवाएं जिनसे बारिश होती है रेनबो एन ऑप्टिकल फिनोमिन ऑन अ रेनी डे इन विच अ कलरफुल आर्च इज सीन इन द स्काई वेन सनलाइट पासिस थ्रू रेन ड्रॉप्स, दीज एक्ट एज रिफ्रैक्टर्स एंड स्प्लिट द लाइट रेज इनटू बैंड्स ऑफ इट्स कंपोनेंट कलर्स दैट इज वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड इंद्रधनुष वृष्टिमय दिन में एक प्रकाशीय परिघटना जिसमें आकाश में एक रंग बिरंगा चाप दिखाई देता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों से गुजरता है तो यह अपवर्तक की तरह कार्य करती है एवं प्रकाश की किरणों को इसके घटक रंगों अर्थात बैंगनी जामुनी नीली हरी पीली संतरी एवं लाल रंगों की पट्टियों में विभाजित कर देते हैं कौसे कजा बारिश के दिनों में एक बसरी मजहर जिसमें आसमान में एक रंगीन कमान जाहिर होती है जब सूरज की रोशनी बारिश के कतरों से गुजरती है तो वह इनताफ़ के उसूल के मुताबिक रोशन किरणों को उनके जुजवी रंगों में तोड़ देती है ये रंग है बनफशई वायलेट बैंगनी इंडिगो Nila blue, Hara green, Pila yellow, Naranji orange, or Surh, red. In Kamukhafav, Vibgior hai. Page 101 Rain gauge. An instrument for measuring rainfall. It is essentially a funnel placed vertically in a collecting vessel which is kept about 30 cm above the ground to avoid splashing. कलेक्टेड रेन वॉटर इज एम्टीड इन अ मेजरिंग सिलेंडर वर्षा मापी वर्षा को मापने के लिए एक यंत्र यह तत्वतः एक कीप होता है जो जल को एकत्र करने वाले पात्र में ऊर्ध्वाधर रखा होता है इसे छीटों से बचाने के लिए भूमि से 30 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है एकत्रित वर्षा जल को मापक सिलेंडर में डाला जाता है बारिश पैमा बारिश की पैमाई का आला ये सयाल गिर बर्तन में अमूदी तौर पर रखा हुआ कीफ है जिसे छीटों से बचने के लिए जमीन से तीस सेंटीमीटर ऊपर खुली जगह पर रखा जाता है बारिश के जमाशुदा पानी को एक पैमाइशी उस्तवाना में खाली कर लिया जाता है रेन शैडो कंपेरेटिवली ड्राई एरिया ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ अ हिल ओ माउंटन दैट स्टैंड इन पार्थ ऑफ रेनबी रिंग वृष्टि वर्षाधारी पवनों के मार्ग में पहाड़ी अथवा पर्वत के प्रतिपवन पक्ष में एक अपेक्षाकृत सूखा क्षेत्र 12 बारिश बरदार हवाओं के रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ या पहाड़ी के उकब में वाकई निपतन खुश्क इलाका रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन surface एट in और इन सब future use। यूज वर्षा जल संग्रहण भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा के जल को सतह अथवा अधस्तल जलभर में एकत्रित एवं संचयन करने की तकनीक बारिश के पानी की जखीरा कारी में इस्तेमाल के लिए सतह या मसामदार जैली आबी सतह में बारिश के पानी को जमा और महफूज करने की तकनीक ब्रांचेस लार्ज लाइफ स्टॉक फार्म यूजली फेंस्ड वे एनिमल्स आर ब्रेड एंड रेयर फॉर कमर्शियल पर्पज यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स ब्रांच बृहद पशुधन के फार्म सामान्यतया बाढ़ लगे हुए जिसमें पशुओं का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक विधियों से प्रजनन एवं पालन पोषण किया जाता है मवेशी गाह आमतौर पर मवेशियों के वसी बाढ़दार अहाते जहाँ तिजारत के लिए साइंसी तरीकों की मदद से जानवरों की अफजाइश नस्ल की जाती है और उन्हें पाला जाता है रेंज 1. A line of mountains forming almost a continuous barrier over a long distance. There may be a few gaps in between. 2. The difference between the highest and the lowest values of a distribution. Example, the difference between maximum and minimum temperature of a place. 3. A term used to denote the unfenced grasslands. श्रेणी एक पर्वतों की एक कतार जो लंबी दूरी तक लगभग अनवरत अवरोध बनाती है इसके मध्य में कुछ अंतराल दर्रे हो सकते हैं दो वितरण के उच्चतम एवं न्यूनतम मान में अंतर उदाहरणतया किसी स्थान के उच्चतम एवं निम्नतम तापमान में अंतर तीन एक शब्द जिसका प्रयोग खुले घास स्थल के लिए होता है सिलसिला को एक लंबी दूरी तक पहाड़ों का सिलसिला जिससे तकरीबन मुसलसल रुकावट पैदा होती है दरमियान में कहीं कहीं फासला भी हो सकता है दो किसी तकसीम में सबसे ज्यादा और सबसे कम मकदारों के दरमियान फर्क जैसे किसी जगह पर सबसे ज्यादा और सबसे कम दर्ज हरारत में फर्क तीन घास के खुले मैदान के लिए इस्तेमाल होने वाले इस्तेलाह रैंकिंग दरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इंडिकेटिंग द रिलेटिव पोजिशंस श्रेणीकरण आंकड़ों की आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्था जो उनकी सापेक्षिक स्थिति को दर्शाती है पेज 102. हंड्रेड टू दर्जाबंदी किसी अदद का निष्पत्ति मकाम मालूम करने के लिए आदादोशुमार को चढ़ती या उतरती तरतीब में मुरतब करना रैपिड्स अ स्ट्रेच ऑफ फास्ट फ्लोइंग टर्बुलेंट वॉटर ओवर अ स्ट्रीम बेड दैट हैज अंडरगोन डिफ़रेंशियल रेट ऑफ इरोजन अमंग हार्ड एंड सॉफ्ट बेड रॉक्स विच फॉर्म्स रैपिड्स क्षिप्रिकाएं सरिता पाठ पर तीव्र बहते प्रक्षुब्ध जल का विस्तार जिस पर कठोर एवं नर्म आधार शैलों के ऊपर विभिन्न दरों से अपर्दन होता है जिससे क्षिप्रिकाओं का निर्माण होता है शुरशुरे नदी की तलहटी पर तेज मौजों के साथ बहने वाले पानी का फैलाव सख्त और नर्म चट्टानों के दरमियान कटाओ के मुख्तलिफ शरह की वजह से शुरशुरे बनते हैं Ravine. A narrow, steep-sided valley which is carved by erosive action of turbulent runoff after heavy rains in dry lands. It is bigger in size than a gully but smaller than a canyon. Example, Chambal Ravines. Khadd. Ek Sankheeran, Teevr wali ghati, jo shushk भारी वर्षा के पश्चात प्रक्षुब्ध वाह की अपर्दनकारी क्रिया के कारण कटकर बनी है यह अवनालिका से बड़े आकार किंतु गंभीर खड्ड से छोटे आकार की होती है उदाहरण के लिए चंबल खड्ड कटी फटी जमीन तंग और दोनों किनारों पर तेज ढलान वाली घाटियां जिनकी तराश खराश खुश्क इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव के कटावतार अमल से होती है यह हजम के एतबार से नाली से बड़ा लेकिन गहरी खाई से छोटा होता है जैसे चंबल की घाटियां जो दरअसल कटी फटी जमीने हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज अ स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड ड्रेनेज पैटर्न इन विच स्ट्रीम्स ज्वाइन ईच अदर एट राइट एंगल्स दिस पैटर्न डिवेलप्स इन ग्रेनाइट रॉक्स वे फॉल्ट एंड ज्वाइंट्स आर कॉमन फीचर्स आयताकार अपवाह संरचना से नियंत्रित अपवाह तंत्र जिसमें सरिताएं एक दूसरे को समकोण पर मिलती हैं यह प्रतिरूप ग्रेनाइट शैलों में विकसित होता है जहां भ्रंश एवं जोड़ सामान्य लक्षण हैं। जावियाए कायमा पन्निकासी साख्तियाती एतबार से मुंजबित पन्निकासी निजाम में नदी नाले एक दूसरे से जाव्याय कायमा पर मिलते हैं इस तरह की तरतीब ग्रेनाइट वाली चट्टानों में बनती है जिनकी आम खसूसियत शिगाफ और जोड़ हैं रेफ्यूजी पीपल हु आर फोर्स टू टेक शेल्टर इन अनदर कंट्री और रीजन ड्यू टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन सच एज इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी वॉर और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन देयर ओन प्लेस ऑफ रेजिडेंस शरणार्थी लोग जो जीवन को संकट में डालने वाली परिस्थितियों जैसे असुरक्षा आपदाएं युद्ध अथवा स्वयं के रहने के स्थान पर मानव अधिकार के उल्लंघन के कारण अन्य देश या क्षेत्र में शरण लेने के लिए बाध्य होते हैं पनाहगुजी वो लोग जो अपनी रिहाइश गाहों पर अदम तहफ़ आफात जंग या इंसानी हकूक की पामाली जैसे खतर हालात की वजह से दीगर मुल्कों या खत्ों में पनाह लेने के लिए मजबूर हों। रीजन अ होमजिनस यूनिट ऑफ लैंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन पैरामीटर्स रीजन में बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और सोशल क्राइटेरिया। एग्जाम्पल फिजियोग्राफिक रीजन हिमालयन रीजन एग्रीकल्चरल रीजन वीट राइस रीजन ऑफ पंजाब कल्चरल रीजन कोंकण रीजन एटसेट्रा प्रदेश एक समरूप इकाई की भूमि जो प्रदत्त प्राचलों के आधार पर अन्य से भिन्न है प्रदेशों को उनके भौतिक अथवा सामाजिक मापदंड के आधार पर पहचाना जा सकता है उदाहरणतया भूआकृतिक प्रदेश कृषि प्रदेश सांस्कृतिक प्रदेश इत्यादि खुश्की की एक मतजान सिकाई जो मकर्र तर्ज के एतबार से दीगर खत्ों से मुख्तलिफ होती है खत्ों की पहचान तबयी और समाजी मीर पर की जाती है मसलन तबियाती खत्ता हिमालियाई खत्ता ज़राई खत्ता पंजाब का चावल गेहूं का खत्ता और सकाफती खत्ता कोंकन खत्ता वगैरह इट इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द दर एंड द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेरीज इनवर्सली विद टेम्परेचर पेज 103। आपेक्षिक थ्री आर्द्रता एक निश्चित तापमान पर वायुमंडल में वास्तविक मात्रा में जलवाष्प की उपस्थिति एवं ये जितनी अधिकतम मात्रा धारण कर सकता है के बीच का अनुपात यह प्रतिशत में दर्शाया जाता है तापमान के साथ आपेक्षिक आर्द्रता का मान व्युतक्रम रूप में परिवर्तित होता है इजाफी रतौबत ये कुर्रे हवा में मौजूद आबी बुखारत की हकीकी मकदार और किसी मुकर्रह दर्ज हरारत पर उसमें रुक सकने वाली ज्यादा से ज्यादा मकदार का तनासब है इसे फीसद शरह में जाहिर किया जाता है इजाफे रतूबत के कदर माकूस तरतीब में बदलती रहती है रिलीफ द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द हाइस्ट एंड लोएस्ट एलिवेशन ऑन द लैंड सर्फिस और द ओशन फ्लोर उच्चावच भूपृष्ठ अथवा महासागर सतह पर उच्चतम एवं निम्नतम ऊंचाई के बीच का ऊर्ध्वाधर अंतर जमीनी खदोखाल जमीनी सतह या बरआजमी फर्श पर बुलंद तरीन और तरीन ऊंचाई के दरमियान उमूदी फर्क रिलीफ मैप अ मैप दैट शोज द वेरिएशन इन एलिवेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स यूजिंग कॉन्टोर्स हाइट्स एंड लेयर्ड कलरिंग उच्चावच मानचित्र एक मानचित्र जो समोच्च रेखाओं की ऊंचाई एवं स्तर वर्णों की सहायता से स्थल रूप की ऊंचाई में भिन्नताओं को दर्शाता है जमीनी खदोखाल का नक्शा हायती खतूत नक्शादार कौमी बुलंदियों और परतदार रंगकारी के जरिए ज़मीनी अशकाल की मुख्तलिफ बुलंदियों को जाहिर करने वाला नक्शा रेमिटेंस ऑल कैश और काइंड सेंट बाय द माइग्रेंट्स टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन मनी ऑर्डर इज वन फॉर्म ऑफ रेमिटेंस प्रेषण सभी नकद अथवा माल जो प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजा जाता है मनी ऑर्डर एक प्रकार का प्रेषण है इरसालगी तमाम रुकूम और सामान जो महाजिर अपने असल वतन को भेजते हैं मनी ऑर्डर इरसालगी की एक शक्ल है रिमोट सेंसिंग टेक्निक कलेक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डेटा रिलेटेड टू दी अर्थ सर्फेस एंड एटमोस्फेयर विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट देर आर टू रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स नेमली एय एंड स्पेस बॉन सुदूर संवेदन बिना भौतिक संबंध के धरातल एवं वायुमंडल से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक सुदूर संवेदन के दो प्लेटफॉर्म होते हैं वायुवाहित एवं अंतरिक्ष वाहित बोध संजी तभी ये राबते में आए बगैर सतह जमीन और कुर्रे हवा से मुख्तलिफ मुख्तलिफादाद शुमार जमा करने की तकनीक बोध संजी के दो प्लेटफॉर्म है यानी हवा अहसास और खलासास रिन्यूएबल सोर्सेज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज विदाउट एग्जॉस्टिंग दम एज दे कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचर और ह्यूमन बीइंग एग्जांपल पॉटर विंड वेजिटेशन एनिमल्स एटसेट्रा नवीकरण योग्य संसाधन संसाधन जिनका प्रयोग बिना उन्हें समाप्त किए किया जा सकता है क्योंकि प्रकृति अथवा मनुष्यों द्वारा उनकी पुनःपूर्ति हो सकती है उदाहरण के लिए जल वायु वनस्पति प्राणी इत्यादि काबिले तजदीद वसाइल वो वसाइल जिन्हें खत्म किए बगैर इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वो फितरत या इंसानों के जरिए दोबारा अपनी तोनाई हासिल कर लेते हैं मसलन पानी हवा नबातात जानवर वगैरह। रिजर्व द पार्ट ऑफ अ स्टॉक विच इज कंसिडर्ड टू बी एक्सप्लॉयटेबल अंडर गिवन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस निचय कच्चे माल का वह भाग जो प्रदत्त आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय परिस्थितियों में उपयोग करने योग्य माना जाता है जखीरे किसी जखीरे का वो हिस्सा जिसे मुक्रा माशी और तकनीकी हालात के तहत इस्तेमाल के काबिल तस्वर किया जाता है एन आर्टिफिशियल लेक और वाटर स्टोरेज क्रिएटेड बाय बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस अ रिवर और स्ट्रीम एट सूटेबल रिटेनिंग लोकेशन फॉर इरीगेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एटसेट्रा एग्जाम्पल गोविंद सागर ब्यास एंड सतलज एंड सरदार सरोवर नर्मदा जलाशय एक कृत्रिम झील अथवा जल संग्रह जो एक नदी अथवा सरिता पर एक उपयुक्त प्रतिधारण रोक कर रखना स्थान पर सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन इत्यादि के लिए बांध बनाकर बनाया जाता है जैसे गोविंद सागर ब्यास एवं सतलुज तथा सरदार सरोवर नर्मदा आबी जखीरा एक मसनू झील या पानी का जखीरा जो आबपाशी पन बिजली पैदा करने वगैरह के लिए मौजू मकाम गिरफ्तगी पर नदी या चश्मे पर बांध तामीर करके बनाया जाता है मिसाल के तौर पर गोविंद सागर ब्यास और सतलुज और सरदार सरोवर नर्मदा रेजिडुअल हिल एन आइसोलेटेड स्मॉल हिल दैट इज लेफ्ट लार्ज हाईलैंड बिकॉज इट रेजिस्टेड वेदरिंग एंड इरोशन प्रोसेस एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग एरियाज एग्जाम्पल उदयागिरी खांडागिरी इन ओडिशा अवशिष्ट गिरी एकाकी छोटी पहाड़ी जो उच्च भूमि के बृहत् समूह का अवशेष है क्योंकि इसने आसपास के क्षेत्र की तुलना में अपक्षय एवं अपर्दन की प्रक्रियाओं का प्रतिरोध किया जैसे ओडिशा में उदयगिरी खांडगिरी बाकियाती पहाड़ी एक अलग थलग पड़ी छोटी पहाड़ी जो बुलंद जमीन के बड़े तोदे में से बची हो क्योंकि यह आसपास के इलाके की बनिस्पत कटाव और फरसूदगी के अमल में रुकावट पैदा करती रही है जैसे ओडिशा में उदयगिरी और खंडागिरी की पहाड़ी पेज 104 हंड्रेड फोर रिसोर्सेज एनी मटीरियल ऑ प्रोसेस दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड प्रोवाइडेड दे आर इकोनॉमिकली फीजिबल टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल संसाधन कोई भी पदार्थ अथवा प्रक्रिया जो मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती है यदि वे आर्थिक रूप से साध्य प्रौद्योगिक रूप से अभिगम्य एवं सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हों वसाइल कोई भी मादा या अमल जो इंसानी जरूरत की तकमील करता हो बशर्ते वो माशी तौर पर अमलन मुमकिन तकनीकी तौर पर काबिल रसाई और तहजीबी तौर पर काबिल कबूल हो रेवल्यूशन ऑफ द अर्थ मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स एलिप्टिकल पाथ ऑबिट पृथ्वी का परिक्रमण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की अपने दीर्घ वृत्तीय मार्ग कक्षा में वार्षिक गति जमीन की मदारी गर्देश सूरज के गिर्द अपने बेज़वी रास्ते मदार पर जमीन की सालाना गर्देश, रिया अ असमर्स्ड एस्चुरी रिजल्टिंग फ्रॉम द राइज ऑफ सी लेवल इट अपीयर्स एज अ डीप फनल शेप्ड इनलेट ऑफ द सी इट इज अ स्पैनिश टर्म प्रिया एक जलमग्न ज्वारंद मुख जो समुद्र तल के बढ़ जाने से बना है यह गहरे कीपाकार समुद्र के अंतर्गम प्रवेश द्वार की भांति दिखाई देता है यह एक स्पैनिश शब्द है गुरकाब मुहाना सतह समंदर के बढ़ने के नतीजे में पानी में डूबा हुआ दरिया का मद्दोजरी मुहाना यह कैफ नुमा गहरे समंदरी नाले की तरह दिखाई देता है यह हस्पानवी जुबान की इतलाह है रिक्टर स्केल अ लोगेरेथमिक स्केल टू मेजर द मैग्निट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक नेम्ड आफ्टर सी एफ रिक्टर हु डिवाइज इट द वैल्यू रेंज इज फ्रॉम जीरो टू टेन रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने के लिए एक लघु गणकीय मापक यह सी एफ रिक्टर के नाम पर है जिन्होंने इसका आविष्कार किया था इसका मान शून्य से दस के मध्य है रिक्टर पैमाना जलजले के वसत की पैमाइश के लिए एक हिसाबी पैमाना जिसका नाम उसके मोजदसी एफ रिक्टर पर रखा गया है इसकी कदर सिफर से दस के दरमियान होती है रिफ्ट वैली अलोंग स्टीप साइडेड फ्लैट बॉटम्ड डिप्रेशन इन दी अर्थ सर्फेस विच इज फाउंड बिटवीन नॉर्मल फॉल्ट और बिट्वीन अ पैरल सीरीज ऑफ स्टेप फॉल्ट कॉल्ड ग्रेबन एग्जाम्पल नर्मदा वैली रिफ्ट घाटी एक लंबे तीव्र ढाल वाले धरातल पर समतल तल अवनमन जो सामान्य भ्रंशों अथवा सोपानी भ्रंशों जिन्हें द्रोणिका कहते हैं श्रृंखलाओं के बीच मिलता है जैसे नर्मदा घाटी वादी, सतह जमीन पर तेज ढलान वाले मुस्त का तवील नशेब जो आम शिगाफों या कदमी शिगाफों यानी ग्रैबन के मुतवाजी सिलसिलों के दरमियान पाया जाता है मसलन नर्मदा घाटी रिवर अ चैनल्ड फ्लो ऑफ वाटर running down the slope from high to low ground under the force of gravity that ultimately meets a large body of water that is a lake or sea or ocean nadi jal ka vahika roopi pravah jo gurutva bal ke karan उच्च से निम्न भूमि पर ढाल से नीचे आता है और अंत में एक बृहत जलराशि में मिल जाता है अर्थात एक झील अथवा समुद्र या महासागर दरिया सकल के ज़ेरे असर बुलंदी से निचली जमीन तक ढलान के मुताबिक पानी का नालीदार बहाव जो आखिरकार किसी झील समंदर या बहरे आजम में मिल जाता है रिवर बेसन द एरिया फ्रॉम विच द वॉटर इज कलेक्टेड बाय द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज नदी बेसन वह क्षेत्र जहां से मुख्य नदी एवं सहायक नदियों द्वारा जल एकत्रित किया जाता है दरियाई तास वो इलाका जहां से असल नदी में उसकी मौविन नदियों का पानी मिलता है रिवर कैप्चर द प्रोसेस बाय विच अ रिवर टेक्स ओवर अ पार्ट ऑफ द ड्रेनेज ऑफ एन एडजेसेंट रिवर थ्रू मोर पावरफुल हेडवर्ड इरोजन and of its catchment area and enlarging of its catchment area, river capture is associated with certain types of rock structures where the river can erode softer or weaker rock strata to get the water source of the other river. नदी अपहरण वह प्रक्रिया जिसमें एक नदी निकटवर्ती नदी के अपवाह के एक भाग को बहुत शक्तिशाली अभिशीर्ष अपर्दन से अधिकार में ले लेती है और अपने जल ग्रहण क्षेत्र का विस्तार करती है नदी अपहरण विशेष प्रकार की शैल रचनाओं से संबंधित है जहां नदी नर्म एवं कमजोर शैल स्तर को अपर्दित कर देती है ताकि वह अन्य नदी के जल स्रोत को प्राप्त कर सके दरियाई गिरफ्त वो अमल जिसके जरिए किसी दरिया का ताकतवर सिरा रुखी कटाव से अपने पड़ोसी दरिया के पन्निकास और आबगीरा पर कब्जा कर लेता है और अपने आबगीरा को पढ़ा लेता है दरियाई गिरफ्त की चट्टानी साख्त से वापसता है जहां दरिया नरम या कमजोर चट्टानी परत का कटाव करके दूसरे दरिया की आबी सरवत को हासिल कर लेता है पेज 105 रिवर अलोंग विद डिस्ट्रीब्यूटरीज नदी तंत्र एक नदी अपनी सहायक नदियों के साथ दरियाई निजाम दरिया और उसके माओवी नदियों का निजाम रोड डेंसिटी द लेंथ ऑफ रोड पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया सड़क घनत्व सड़क की लंबाई प्रति सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में saraki kasafat muraba kilometer me rock a consolidated mass of one or more minerals which forms the earth's crust some rocks may be compact and hard example granite other may be soft example limestone rocks are classified on the basis of their origin igneous sedimentary एंड मेटामोफिक शेल एक या एक से अधिक खनिजों का संगठित समूह जो भू पर पट्टी बनाते हैं कुछ शैलें ठोस एवं कठोर हो सकती हैं उदाहरणतया ग्रेनाइट अन्य नर्म हो सकती हैं उदाहरण के लिए चूना पत्थर शैलों का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है जैसे आग्नेय अवसादी एवं कायांतरित चट्टान एक या एक से ज्यादा मादनियात का ठोस तौदा जिससे कचरे जमीन बनी है कुछ चट्टाने पैवस्था और सख्त होती हैं जैसे ग्रेनाइट दूसरी नर्म होती हैं जैसे चूना पत्थर चट्टानों की दर्जाबंदी उनकी इब्तदा की बुनियाद पर आतिशफ फिशानी रसूबी और मतगरा चट्टानों में की जाती है साइकिल द प्रोसेस बाई विच वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर शैल चक्र वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रकार की शैल विशेष परिस्थितियों में चक्रीय ढंग से दूसरे प्रकार में बदल जाती है चट्टानी कर देश वो अमर जिसके जरिए एक किस्म की चट्टान कुछ मखसूस हालात में दौरी तौर दोर पर दूसरे किस्म की चट्टान में बदल जाती है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स सिस्टमैटिक सक्सेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड कैरिड आउट इन ऑर्डर टू अवॉइड एग्जॉस्टन ऑफ द सॉयल शस्य आवर्तन प्रदत्त भूमि के टुकड़े में विभिन्न फसलों का क्रमबद्ध अनुक्रमण जो मृदा के ह्रास को बचाने के लिए किया जाता है फसली गर्देश किसी एक जमीन पर मंसूबा बन तरीके से मुख्तलिफ फसलों को यके बाद दी करें उगाना ताकि मिट्टी की जरखेजी कम ना हो रनऑफ द पार्ट ऑफ टोटल प्रेसिपिटेशन लेफ्ट आफ्टर द लॉसेज ड्यू टू इंटरसेप्शन इवेपोरेशन ट्रांसपीरेशन इनफिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज दैट फ्लोज ओवर लैंड थ्रू चैनल्स वाह कुल वर्षण का भाग जो उन ह्रासों जैसे अवरोधन वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन अंत स्यन रिसना एवं संग्रहण के पश्चात बचता है एवं भूमि पर वाहिकाओं के द्वारा बहता है बहाव कुल तरसीब का वो हिस्सा जो मजाहमत तबकीर पौधों के अमल तनफस इंज़ाब और जमा करने में ज़ाय होने से बच जाता है और नदी नालों के जरिए जमीन पर बहता है रूरल सेटलमेंट्स सेटलमेंट्स अमिटस्ट कंट्री साइड पीपल आर एंगेज मेनली इन प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग ग्रामीण बस्तियां ग्रामीण क्षेत्र में बस्तियां जहां लोग मुख्यतः प्राथमिक क्रियाओं जैसे कृषि वानिकी एवं मत्स्य में लगे हैं रूरल सेटलमेंट्स देही बस्तियां देहात की बस्तियां जहां लोग ज्यादातर इब्तदाई माशी सरगर्मियों जैसे जरात जंगल बानी और माही परवरी में मसरूफ रहते हैं लेटर आर ऑफ ट्रायलिंग डिक्शनरी ऑफ जियोग्राफी फॉर स्कूल एंड रेड बाय नीरज यादव एंड सुमुल शकील यू एर जस्ट लिस्निंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन प्रोफेसर सविता सिन्हा प्रोजेक्ट एडवाइज डॉ भारती कौशिक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बटीलैंग लिंगडो फ्रेमवर्क एडवाइज अजीत होरो एसिस्टेंस इन प्रोडक्शन कुसुम लता प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय वंदना अरिमर्दन एंड दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू बाय सी आईईटी न्यू डेल्ही इंडिया